एवरीबॉडी सेल्फ सेल्फ चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है वो आधारित है कि हम ईजी रिपोर्ट टाटा इंडिकेस के एटीएम से ईजी रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। ईजी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब कोई डिस्प्यूट होता है कि कोई ट्रांजेक्शन सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है, कितने नोट्स उसको मिले हुए हैं। कोई कहता है कि हमको कम पैसे मिले हुए हैं, तब उसको इस डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए हम ईजी रिपोर्ट निकालते हैं। तो ईजी रिपोर्ट निकालने के लिए हम पहले मशीन को सुपरवाइजर मोड में लाएंगे। सुपरवाइजर मोड में निकालने के लिए जो हुड है उनके ऊपर चाबी लगा करके इसको जो हुड है उसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका जो एटीएम है एटीएम सुपरवाइजर मोड में आ जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है ईजी व्यूअर का। ईजी व्यूअर के लिए आप एक कीबोर्ड से प्रेस करके आप इंटर करेंगे तो आपका ईजी व्यूअर आ जाएगा। ईजी व्यूअर जो है आपका इजेक्टेड व्यू होता है। इजेक्टेड व्यू में आपको डेट वाइज डाटा रहता है कि आपका जैसे 1 अक्टूबर 2022 का डाटा ये है, 30 सितंबर 2022 का ये डाटा ये है, 29 सितंबर 2022 का डेटा ये है। 1 सितंबर 2022 का डाटा अगर आप देखना चाहते हैं तो एक प्रेस करेंगे। 30 सितंबर 2022 का देखना चाहते हैं दो प्रेस करेंगे। हम जैसे 30 सितंबर 2022 का डेटा देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से दो टाइप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट शो करना है। यहाँ पे आपको डेट शो करता है 30 सितंबर 2022 पेज नंबर 1। जो इसमें ट्रांजेक्शन हुए हैं टोटल 142 ट्रांजेक्शन हुए हैं। जो पहला ट्रांजेक्शन है वो हुआ है आपका पेज नंबर 1 पे 7:28 पे हुआ है। इसमें दिखा रहा है जो आपका कस्टमर का कार्ड है वो एक्सेप्टेड है। 7:28:43 पे ट्रांजेक्शन स्टार्टेड हो गया है। कार्ड का नंबर ये है। पिन जो उसने किया वो ये पिन एक्सेप्टेड है। और आपका जो कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट हो गया है, जो अकाउंट का टाइप है वो सेविंग अकाउंट है। रिसिप्ट रिक्वेस्ट फेल है, मतलब क्या है कि एटीएम में सेट किया कर दिया गया है कि कोई भी कस्टमर पैसे विड्रॉ करता है तो उसको रिसिप्ट नहीं मिलेगा, और बैलेंस इंक्वायरी करता है तो उसको रिसिप्ट मिलेगा। तो ये है अमाउंट में ये दिखाया जाता है तो उसने कितना पैसा अमाउंट कैश डिस्पेंस के लिए डाला है, 10,000 उसने डाला। रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड नंबर दिखाता है और अमाउंट जो उसको डिस्पेंस हुआ है वो इस तरह से हुआ 10,000। आपका मशीन में स्टैकिंग भी है। उसके बाद कैश प्रेजेंटेड हुआ है। कैश जो प्रेजेंट मशीन के द्वारा किया गया है, टाइप 1 यानी 200 की दो नोट हुई 400 रुपया, और आपका टाइप टू का मीन 100 की नोट एक मिली तो 400 एक 500 रुपये हो गया। और टाइप थ्री में आपको 500 की 19 नोट हो जाएगी आपको 9,500 रुपये, और 500 दो नोट 200 की 400 हो गया तो 19,900 रुपये, और 100 की एक नोट हो गई तो 10,000। इस तरह से 10,000 उसको डिस्पेंस हो गया जो ट्रांजेक्शन 1 था। अगर आप दूसरा ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरा पेज में आपको रिकॉर्ड नंबर दिखा दिया, 6981 रिकॉर्ड नंबर हो गया। अमाउंट दिखा दिया। अब आपका जो करेंसी चेस्ट में जो अवेलेबल कैश है वो दिखा दिया, कितना डिस्पेंस हुआ है वो दिखा दिया। अब आपका 7:30 पे विड्रॉ जो ट्रांजेक्शन है वो एंड हो गया है। और उसके बाद जो चेन बैलेंस ट्रांजेक्शन है, अब दूसरा कस्टमर जो पिन इंटर कर दिया सेम बैलेंस ट्रांजेक्शन स्टार्टेड हो गया। कस्टमर कैंसिल ट्रांजेक्शन, कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ट्रांजेक्शन, कैंसिल कर दिया तो कार्ड को जो इजेक्ट किया है वो बाहर निकाल लिया और कार्ड को एक्सेप्ट किया गया है। वही सेम जो भी ट्रांजेक्शन कस्टमर कर रहा है वहाँ पे दूसरे कस्टमर का डिटेल दे रहा है, पिन डाल दिया, उसने सेविंग अकाउंट से 1500 रुपये निकाला है, उसका डिटेल अब नेक्स्ट पेज में शो करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोई भी कस्टमर कब कब कैसे विड्रॉ किया है। पेज डाउन करेंगे दो पेज, फिर तीसरा पेज डाउन करेंगे तीसरे पेज में डिटेल दे देगा। पहले कस्टमर का पैसे जो विड्रॉ होता है वो दिखाता है, उसके बाद आपके करेंसी चेस्ट में कितना नोट का डिफरेंस हुआ है वो भी आपको दिखाता है। एक कस्टमर भी अपने तरफ से मिलाता है, आप करेंसी चेस्ट में भी आपको पैसे डिस्पेंस होने के बाद नोट का डिनोमिनेशन क्या बचा हुआ है वो भी आपको बताता है यहाँ पे। तो आप पेज 4 में इस तरह से दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कस्टमर कितना पैसे विड्रॉ किया, उसको कितना पैसे मिला है, आपका करेंसी चेस्ट में कितना पैसे बचा है वो सारा दिखाता है यहाँ पे। तो ये आपको पेज अप का ऑप्शन ये है, पेज डाउन का बटन ये है। इस तरह से आप टोटल 142 जो पेज है वो टोटल 142 टेंशन है उसका पेज डाउन करके सारा डिटेल दे सकते हैं। और कोई भी डिस्प्यूट हुआ उसको आप अच्छे से यहाँ से मैच करा सकते हैं।
जो भी यहाँ पर टेंशन होगा वो मशीन में रिकॉर्ड होगा, इसमें कितने की नोट मिले, कब मिले, कैसे मिले, वो सारा आप कस्टमर को यहाँ से दिखा सकते हैं। और जो भी कस्टमर आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है कि नहीं मैंने पैसे नहीं निकाला है, उसको भी वेरीफाई कराने का तरीका है। तो आप ईजी रिपोर्ट अगर अच्छे समझ गए हैं तो आप बैक करके आप यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। एग्जिट होने के बाद आप आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नेवी के ऑप्शन में जाएंगे तो उसको इमेज के साथ में आपको वो सारे डिटेल इमेज के साथ में आएगी। तीन नंबर प्रेस करके तीन नंबर नेवी गिल का ऑप्शन है, तीन नंबर यहाँ टाइप किया, आपने इंटर किया। इंटर करने के बाद आप इमेज व्यूअर एक प्रेस करके आप इंटर करेंगे। अब इमेज व्यूअर में आप देखेंगे अगेन सर्च बाय डेट एंड टाइम, जो एक नंबर दबाएंगे तो सर्च बाय आपको जो डेट और टाइम है उसके हिसाब से आपको ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का। जैसे ये आपका 2 अप्रैल 2022 है, सेलेक्ट वन फॉर डेट, आप वन दबा करके एंटर कर दिए तो एक अप्रैल 2022 आ गया। अब आप इसमें जो मंथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मंथ के लिए यहाँ पे इस तरह से प्रेस करेंगे, जैसे अक्टूबर मंथ है तो अक्टूबर में आपने ये किया। और जो डेट है, डेट को एक तारीख है, एक तारीख को ये प्रेस, आप एक तारीख पे आ गए, एक अक्टूबर को सेट कर दिए, एक अक्टूबर मंथ सेट कर दिए, उसके बाद कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको 2 प्रेस करेंगे टाइम सेट करने के लिए, आपने 2 प्रेस किया और टाइम सेट करने के लिए आवर्स के लिए, अगर मॉर्निंग में आपका 7 बजे से मशीन स्टार्ट हो गई तो यहाँ आवर्स करेंगे 7 बजे, 7 बजे आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद मिनट प्लस करना चाहते तो आप मिनट प्रेस कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए, प्रोसीड कर दिया आपने तो ये दिखा दिया 1 अक्टूबर 2022 आपका टाइम सेट हो गया और ये समय सेट हो गया। उसके बाद व्यू करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो डेटा आपको कलेक्ट कर रहा है मशीन में से उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, उसको थोड़ा सा पेशेंसली इसको धैर्य के साथ इसको वॉच करिए। इस जो आपका 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका इमेज अभी निकल के बाहर आ जाएगा। तो उसमें जो ईजी व्यूअर में जो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ है वही सारा डिटेल आपका यहाँ पे दिखा देता है कि आपका 1 तारीख को 7:05 के बाद को जो ट्रांजेक्शन हुआ है। आप यहाँ पे नेक्स्ट इमेज कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके, जैसे ये लेडी ATM में घुसी हैं, ATM में घुसने के बाद फ्रंट वाले कैमरे से रिकॉर्ड होता है, इनका रिकॉर्ड हुआ है। उसके बाद जो भी है अब यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने 7:27 पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है। यहाँ आपका ATM ID दिखाता है, यहाँ पे आपका कार्ड नंबर दिखाता है, लास्ट के स्टार्टिंग के 5 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट। उसके बाद आपका इन्होंने जो भी अमाउंट डाला है वो दिखा रहा है, आपका सेविंग अकाउंट दिखा रहा है, अवेलेबल बैलेंस इनके यहाँ वो दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपका अगेन इन्होंने कार्ड नंबर दिखाया, अब दूसरे पर्सन का दिखा रहा है कि दूसरा पर्सन जो आया हुआ है वो 7:30 पे आया हुआ है, इसका कार्ड नंबर ये है, रिकॉर्ड नंबर ये है, इसने 5000 रुपये जो विड्रॉ किया है, रिस्पॉन्स कोड 00 मतलब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है, 5000 उसने विड्रॉ किया है और उसके पास जो अवेलेबल बैलेंस ये है। तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन का डिटेल दिखाता है और यहाँ पे उस ट्रांजेक्शन डिटेल पे किस पर्सन ने वो कैश निकाला है उसका फोटो यहाँ पे दिखाई देता है। तो अच्छा है, अच्छे से मुझे लगता है। यहाँ पे प्ले बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, प्ले बटन के ऑप्शन से भी आप जो इमेज रिकॉर्ड हुई है उसको प्ले करके देख सकते हैं कि कौन कब का ट्रांजेक्शन आया है, कब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि ईजी व्यूअर में ट्रांजेक्शन का डिटेल दे सकते हैं और आपका नेवी गिल ऑप्शन में इमेज के साथ उसका डिटेल दे सकते हैं कौन पैसा निकाला है। इस तरह से जो भी डिस्प्यूट है आप अगर ईजी व्यूअर और नेवी गिल ऑप्शन आप अच्छे से निकालना जानते हैं, ऑपरेट करना जानते हैं तो आप जो भी आप डिस्प्यूट है ATM पे उसको डिस्प्यूट को क्लियर कर सकते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ आपका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो अच्छे से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है और अमाउंट डिस्पेंस हुआ है। इस तरह से उसके बाद आप इसको पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद बैक करेंगे, बैक करने के बाद आपको फिर अगेन बैक करेंगे, बैक करने के बाद यहाँ पे एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद आप अगेन इसको आप यहाँ पे बटन से एग्जिट बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद एग्जिट बटन प्रेस करने के बाद फिर आप ये कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद सुपरवाइजर मोड है 91 उसका एंटर करेंगे तो आपको सुपरवाइजर मोड इंड हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि अब मशीन आपको नोट को टेस्ट करती है और मशीन को जो सुपरवाइजर मोड है सुपरवाइजर मोड से नॉर्मल मोड में लाती है और ट्रांजेक्शन के लिए
ट्रांजेक्शन के लिए मशीन को रेडी कर सकती है। अब इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि अगर कोई भी कस्टमर आपके साथ डिस्प्यूट करता है कि हमारे यहाँ पास कैसे पैसे डिस्पेंस नहीं हुए हैं, तो आप इस तरह से इसको समझा करके समझा सकते हैं कि उसका पैसे कोई भी इशू जो भी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस मशीन से जो भी पैसे उसको डिस्पेंस हुआ है इमेज के साथ और कार्ड के साथ ट्रांजेक्शन के साथ सारे डिटेल उसको दिखा करके समझा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट टाइम हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, और उसके बाद जो भी अपडेट एटीएम इंडस्ट्री में टाटा इंडिया का एटीएम के द्वारा लाया जाएगा, इस तरह के यूजफुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे आपको कि मशीन में अगर नोट फंस जाती है तो कैसे उसको निकालेंगे। हाँ, कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हम आपको बताएंगे कि एटीएम में जो भी आपके सेंसर्स वगैरह हैं, सेंसर वगैरह कैसे क्लीन किया जाता है, मशीन को कैसे अच्छे से सक्सेसफुली चलाया जाता है, नेक्स्ट वीडियो हमारा उस पर आधारित है कि हम कैसे अपनी मशीन को अच्छी तरीके से रखें ताकि आपकी मशीन में कोई फेल्योर ना हो, आपकी मशीन अच्छे से चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।